सर, मैं अपना स्टार्ट करना चाहूँगी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन के साथ, बिकॉज हम हिंदी भाषा से ही अगर स्टार्ट करें, आज के टाइम में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो लोग इंग्लिश भाषा को देते हैं, चाहे वो नॉवेल्स हो या फिर आजकल कोई भी स्टोरी हो, शॉर्ट स्टोरी हो, फिल्म हो, इवन हम लोगों ने कोई प्ले भी लिखा है, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन जब स्टेज पर आके दिया जाता है वो इंग्लिश में दिया जाता है। लोग हिंदी भाषा को एक तरीके से साइड करते जा रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंस जा रही है, तो फिर मैं उससे रिलेटेड आपसे पूछना चाहूँगी कि लाइक हिंदी भाषा क्यों आज के टाइम में इतनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए और नहीं भूलना चाहिए उसको। माइक सर के लिए। मैं इससे पहले थोड़ा अहमदाबाद और गुजरात को प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरा रिश्ता इंटेलेक्चुअली आई एम क्लोजली एसोसिएटेड विद गुजरात, इसकी वजह है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइटिंग हुई उसमें हम लोग जिनको पढ़ते थे वो थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, गुजराती राइटर हु बिकेम गवर्नर इन हिज टाइम। उसके बाद पन्नालाल पटेल और वहाँ से दिनकर जोशी, वहाँ से आप आइए कि गुजराती के कई राइटर्स को देश का सबसे बड़ा जो इंडिया का नोबेल प्राइज माना जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड मिले, उसमें हमारे मित्र थे भोला भाई पटेल जिनके नाम पर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में एक सर्किल है, चौराहा है भोला भाई पटेल के नाम पर, ये और रघुवीर चौधरी जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। यहाँ की फिल्मों की इतनी बड़ी हिस्ट्री है, हमारे दोस्त हैं पैन नलिन जो पेरिस में रहते हैं, उनकी फिल्म छेल्लो शो इस बार ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री थी। आप कभी छेल्लो शो नेटफ्लिक्स पर देखिए, मैंने उस फिल्म मेकर को सैल्यूट किया कि इतनी ब्रिलियंट फिल्म मैंने पिछले 20 सालों में नहीं देखी थी, छेल्लो शो। उससे पहले द गुड रोड ऑस्कर में गई थी 2012 में, और एक राजकुमार हिरानी का नाम आपने सुना होगा, थ्री इडियट्स और मुन्ना भाई और सब फिल्मों के, उनके स्क्रिप्ट राइटर हैं अभिजात जोशी, उनके भाई हैं सौम्या जोशी, हमारे मित्र हैं। इनको हमने NSD में बुलाया था 2002 और 2003 में आए थे, एक नाटक का नाम था जो हिंदी नाम मुझे याद है, गुजराती में आप समझिएगा, दोस्त यहाँ एक शहर बसता था, और उन्होंने इतना ब्रिलियंट प्ले किया था। फेड इन थिएटर नाम से उनकी संस्था थी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोई अहमदाबाद के किसी कॉलेज में वो पढ़ाते थे अंग्रेजी। उसके बाद उन्होंने गुजराती में किया 8वां तारानु आकाश, और हाल में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर को लेकर उनके नाटक पर फिल्म बनी 101 नॉट आउट, इतने सारे। और दिनकर जोशी के नॉवेल पर गांधी माई फादर नाम से फिरोज अब्बास खान ने फिल्म बनाई। तो ये जो साहित्य है, रंगमंच है, सिनेमा है, संस्कृति है, और ये सब मिलजुल कर जो हिंदी की बात आपने की, इसके पीछे इस समय मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से दो चीज़ें हुई हैं। हम उनसे असहमत हो सकते हैं कई मामलों में, लेकिन एक तो जैसे मैं दुनिया के 50 देशों में जाता हूँ, हम हिंदुस्तानियों की इज्जत दुनिया के और देशों में बढ़ी है। ये पता तब चलता है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं किसी दूसरे देश की एम्बेसी में। और दूसरा, हिंदी को और गुजराती को और मातृभाषाओं को सम्मान मिला है नरेंद्र मोदी के कारण, क्योंकि उन्होंने ये सिखाया कि अपनी भाषा में बोलना कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे आप कान, बर्लिन, वेनिस इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाएं, यहाँ तक कि नोबेल प्राइज सेरेमनी में भी मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ भी जैसे जापनीज, चाइनीज, फ्रेंच, इटालियन, दूसरे भाषा के लोग, स्पेनिश, वो अपनी भाषा में बोलते हैं। तो इसलिए हिंदी जरूरी है, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा में सपने अपनी भाषा में देखते हैं। थैंक यू। हेलो सर, माइक। थैंक यू सर। ऋषिकेश सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए दोस्तों, भाषा कोई आकाश से टपकने वाली चीज नहीं है, आप भाषा के भीतर पैदा होते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
और भाषा के भीतर ही आपका लालन पालन होता है, आपका पोषण होता है, आपका पूरा व्यक्तित्व है, आपकी पूरी पर्सनालिटी आपकी भाषा बनाती है। आप घरों में जो भाषा बोलते हैं, फिर स्कूल कॉलेज में जो भाषा पढ़ते हैं, फिर दुनिया से जिस भाषाओं जिन भाषाओं में आप डायलॉग करते हैं, संवाद करते हैं, ये सारी भाषाएं मनुष्य के रूप में आपको बनाती और बिगाड़ती हैं। आप जो भी हैं, आप अपनी भाषा के कारण बनते हैं। व्यक्तित्व पर्सनालिटी की बात मैं कर रहा हूं। अंग्रेजी एक बड़ी भाषा है, पूरी दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा है, पूरी दुनिया में वो रोजगार देने वाली भाषा है। यह भी एक सच भी है और ये एक भ्रम भी है। ये एक सच भी है और एक भ्रम भी है। सच हमारे जैसे लोगों के लिए है जो गुलाम रहे, जिन्होंने वर्षों गुलामी झेली, वो यही सच के मान के चलते हैं कि अंग्रेजी अगर हम नहीं जानते तो हम जी नहीं सकते, जबकि पूरी दुनिया का यह सच नहीं है। पूरी दुनिया अंग्रेजी जानती है ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के सबसे नजदीक देश है जो फ्रांस, वहां अपमान समझा जाता है अंग्रेजी बोलना आम जीवन में। हमारे लिए वो गर्व की भाषा है, हम बहुत घमंड से अपने को दुनिया के सामने रखते हैं कि साहब हम भी अंग्रेजी जानते हैं। तो भाषा जो है, अगर आप अपनी भाषा, जब मैं कह रहा हूं वह भाषा जिसमें आप जन्म ले रहे हैं, अगर वो भाषा आप नहीं जानते तो दुनिया की कोई भाषा आपके काम नहीं आएगी। और एक भाषा, आपकी अपनी भाषा, अगर आप ठीक से जानते हैं तो दुनिया की कोई भी भाषा 10 या 15 दिन के भीतर आप सीख सकते हैं। 15 दिन मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप मेहनत करें तो 15 दिन में दुनिया की कोई भाषा सीख सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी भाषा जानते हो। यह बहुत जरूरी है। तो भाषा को लेकर के हम जो शर्म महसूस करते हैं, आप लोगों में से मैं नहीं जानता कि कितने लोगों ने नाम सुना होगा उनका, बाबा कारंत कर्नाटक के थे, बहुत बड़े थिएटर के डायरेक्टर हुए, फिल्में बनाई, गोधुली गोधुली फिल्म थी ना उनकी, करण जी की चोमना चोमना जैसी फिल्म बनाई, जो जो पैरेलल सिनेमा का जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट जिन फिल्मों से शुरू होता है, चोमना डुड्डी वैसी फिल्म थी। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वो डायरेक्टर बने। तो एक बार हम लोग असम में थे, एक सेमिनार था, 3 दिनों का संगीत नाटक एकेडमी का फंक्शन था, उसमें नाटक भी थे, सेमिनार भी थे। करण जी को बोलना था, हम लोगों को बोलना था, उम्र 26-27 साल हमारी उम्र थी। बहुत चिंतित थे हम लोग कि बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी तरह से नहीं बोल पाएंगे, अगर बोलना जानते भी तो ये असमिया लोग अंग्रेजी समझने की स्थिति में नहीं है, असमिया छोड़ के और कुछ नहीं जानते, हिंदी बोलेंगे तो ये और भी नहीं समझेंगे, तो हम कैसे इनसे संवाद करेंगे, अपनी बात किस भाषा में रखेंगे, बहुत चिंतित थे। 2-3 हमारे दोस्त थे, हम सब बैठ के यही बात कर रहे थे। कारण जी मंच पे आए, उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने पहला वाक्य जो कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं असमिया नहीं जानता, लेकिन मैं जरा भी इस बात से शर्मिंदा नहीं हूं कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा या कर्नाटक में कन्नड़ में बोलूंगा, तो कन्नड़ ज्यादा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, तो हिंदी में बोलूंगा। और हम लोगों का सारा हमारी जो मुश्किलें थी वो मुश्किलें वहीं खत्म हो गई। कारण जी ने हिंदी में भाषण दिया, एक एक असमिया समझ रहा था उसको, फिर हम लोगों ने भी हिंदी में अपनी बात रखी, सबने समझा। 10% हो सकता है कि लॉस हुआ हो, ये संभावना है। बस इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में सबसे बड़ा योगदान किया वो गुजराती थे, हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के कारण हिंदी राष्ट्रभाषा बनी, तो गुजरात का इस देश पर बहुत बड़ा एहसान है। सही बात है सर, हिंदी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाषा है, आजकल हम भूलते जा रहे हैं। सर हमारे लिए जितने भी कोर्सेज होते हैं,
इंजीनियरिंग हो या फिर मास कम्युनिकेशन, जर्नलिस्ट बनने तक के लिए कोर्सेज हैं, यहाँ तक कि भाषाएं सीखने के लिए भी कोर्सेज हैं। हम लोग इंग्लिश भाषा सीखने के लिए बच्चे कोर्स करते हैं। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि हिंदी बिल्कुल ही भूलते चले जाएंगे और उसके लिए भी एक कोर्स को रखा जाएगा? देखिए देखिए आपको एक बात बता दें कि अपनी जिंदगी, अपना समय, अपना समाज, इसको नष्ट करना और बनाना दोनों आपके हाथ में है। यह दूसरा कोई नहीं है जो आकर आपके समय को बनाएगा, आपके समाज को बनाएगा, आपके घर परिवार को, कोई नहीं दूसरा आकर बनाता है, आप खुद बना। आप भूलते जा रहे हैं, आप भूल जाइए। आप मत पढ़िए हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य या किसी भी भाषा का साहित्य, कोई जरूरी है साहित्य पढ़ना? मत पढ़िए। आप अपना अपनी जो तकनीकी शिक्षा है वो लीजिए। अब मत देखिए फिल्म, अच्छी फिल्में क्यों देखते हैं? आप पोर्न देखिए, कौन कह रहा है कि आपको अच्छी फिल्में देखिए? मत देखिए। आप अच्छा संगीत मत सुनिए। इस देश में जो क्लासिकल म्यूजिक की परंपरा है के साथ साथ जो अंग्रेजी का जो या यूरोपियन कंट्रीज का या दुनिया के दूसरी दूसरे देशों का जो बढ़िया संगीत है, मत सुनिए उसको। कौन कहता है कि आज आपको कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन 20 साल के बाद जो पीढ़ी पैदा होगी वो हत्यारी होगी, बलात्कारी होगी। साहित्य, संगीत, सिनेमा, आपकी अपनी भाषा, ये आपको मांझ करके चमकाती है, बेहतर मनुष्य बनाती है, आदमी बनाती है, आपको पशु बनने से रोकती है। आपको अगर आप अभी इन सब से अपना संबंध तोड़ लीजिएगा तो तत्काल कोई घाटा नहीं होने वाला है। आप इंजीनियर बन जाइएगा, डॉक्टर बन जाइएगा, मनुष्य नहीं बनिएगा। अब 20 साल के बाद तो खोजे नहीं मिलेगा मनुष्य, हर आदमी बलात्कारी होगा। इसलिए जरूरी है कि साहित्य पढ़िए, अच्छा संगीत सुनिए, अच्छा नाटक देखिए, अपनी भाषाएं जो भी हैं आपकी, जहां तक पहुंच सके पहुंचिए उनके साथ। देखिए इसका एक छोटा सा जवाब है जी सर, कि मैं केवल दुनिया के 5 देशों का उदाहरण देता हूं जहां मैंने अपनी आंखों से देखा। ईरान, ईरान की भाषा फारसी है, तो वहां पहले फर्स्ट क्लास से लेकर मास्टर डिग्री तक, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर साइंस से लेकर फॉरेंसिक साइंस तक, सब कुछ फारसी में पढ़ाई जाती है। तो उनको जरूरत नहीं है कि वो अंग्रेजी या दूसरी भाषा में उसको पढ़ें। दूसरा देश है रूस। रूस में आप देख लीजिए, मेट्रो स्टेशनों के नाम तक रशियन भाषा में हैं। आपने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को आज तक रूसी के अलावा किसी भाषा में बोलते सुना है? या ये जो ईरान के राष्ट्रपति को फारसी के अलावा, या सऊदी अरब, अभी अल सीसी आए थे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पर, ये मिस्र के, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, वो अपनी भाषा में बोल रहे थे। एक तो इजिप्ट में भी अरबी में होता है, स्पेन में स्पेनिश में, जर्मनी में जर्मन में, इटली में इटालियन में, जापान और चीन में तो होता ही नहीं। तो उन्होंने अपने सिलेबस को ऐसा फ्रेम किया है कि फर्स्ट क्लास से लेकर जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन्होंने अपनी भाषा में, इसलिए शिक्षा का उनका परसेंटेज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हम 140 करोड़ लोग हैं देश में, कितने लोगों तक शिक्षा पहुंची है अभी? तो हमारे पास चूंकि 300 साल तक कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हम पर राज किया, इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमने अपनी मातृभाषाओं को उस रूप में नहीं ध्यान दिया जिससे ये समस्या आई है। देखिए पूजा, एक और चीज है, सब नौजवान लोग बैठे हैं, ये कल पूरा समाज इनके हाथों में होगा, पूरा समय इनके हाथ में होगा, ये जैसा बनाएगा वैसा बनाएंगे वैसा बनेगा हमारा समाज। एक चीज बहुत साफ है कि दुनिया में जो चीज अच्छी है, सुंदर है, जरूरी है जीवन के लिए, मनुष्य के लिए, उस पर एकाधिकार, एकाधिकार आप समझते हैं, कब्जा करने की कोशिश, मोनोपोली, कब्जा करने की कोशिश, मोनोपोली ये की जाती है, यही होता रहा है। और ज्ञान पर कुछ ही लोगों का कब्जा रहे, वो सब तक न पहुंचे, तो उस कब्जा करने का एक बड़ा टूल है भाषा। आप भाषा बदल दीजिए मनुष्य की, वो हार के थक कर बैठ जाएगा, छोड़ देगा, जो आज हमारे देश में हो रहा है। अंग्रेजी तक नहीं पहुंच पाने के कारण देश के 90% युवा शिक्षा से वंचित हैं।
तो ये साजिश है एक तरह से, ताकतवर लोगों की साजिश है, वो भाषा को हथियार बनाकर एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप उन तक भी ज्ञान पहुंचे इसके लिए आने वाले दिनों में अपनी भाषा का जरूर उपयोग कीजिए। ये मैं हिंदी की सिर्फ बात नहीं कर रहा, आप मराठी हैं तो मराठी, गुजराती हैं तो गुजराती, तमिलियन हैं तो तमिल, अपनी जो मातृभाषाएं हैं आपकी, उन मातृभाषाओं से अपना रिश्ता जोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि माँ का कोमल स्पर्श आपको जिंदगी भर मिलता रहे तो। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लोग हथियार बनाकर भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी है कि मतलब भाषा लोगों को आती है हिंदी। आपका जो बैकग्राउंड रहा है और अभी जो बच्चों का बैकग्राउंड है हिंदी को अगर देखा जाए तो वो भाषा में भी बहुत सारे चेंजेस आते रहे हैं। तो जो आज की भाषा है हिंदी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आपको ऐसा लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच जिसको हम बोलते हैं उसको राइटिंग के थ्रू आज के टाइम में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग अगर कुछ प्रेजेंट भी करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा तरीके से चीज़ों को दिखाया जाता था, लिखा जाता था। आजकल हम लोग डायलॉग्स भी देखते हैं मूवीज़ के अंदर, अगर वो राइटिंग है तो उसके अंदर गालियों का इस्तेमाल बहुत होता है और आजकल युवा उस चीज़ को बहुत पसंद भी करते हैं। तो आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का गलत तरीके से राइटिंग के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जो चीज पसंद की जा रही है वो अच्छी हो ये जरूरी नहीं है, जो चीज बहुत पॉपुलर है वो बहुत अच्छी हो ये जरूरी नहीं। खराब से खराब चीजें पॉपुलर, पॉपुलरिटी जो है किसी चीज के अच्छे होने की निशानी नहीं, उसका सबूत नहीं है। जी सर। अब जैसे आपने पूछा कि भाषा हमेशा जड़ चीज नहीं है भाषा, कि आज जो मैं बोल रहा हूं आज से 25 साल पहले मैं ही इस भाषा में नहीं बोलता था, मेरी शब्दावली अलग थी, मेरे वाक्यों का सेंटेंसों का गठन अलग होता था। तो भाषा बदलती है समय के साथ, समाज के साथ, और हिंदी बदली है। हिंदी ने दुनिया की दूसरी भाषाओं से ढेरों शब्द लिए हैं। एक शब्द है आप आज बोलते हैं हिंदी में बिंदास, आपको मालूम है ये शब्द कहां से आया? ये मराठी का शब्द है। और रेखा जब को सेक्स बॉम्ब कहा जाता था जब वो जवान थी तो फिर भी पत्रिकाओं ने उनके लिए बिंदास शब्द लिखना शुरू किया, आज वो साहित्य में। झकास कंडोम के लिए ये शब्द यूज हुआ था सबसे पहले विज्ञापन में, आप देखिए आज के आप झकास का क्या उपयोग करते हैं। तो भाषा बहता हुआ नीर है कहा गया है कि पानी है बहता हुआ, तो दुनिया की तमाम भाषाओं के शब्द आके उसमें अपना रूप बदल देते हैं। आज आप किसी को कहिए कि तुम तो नंगे हो तो आपका सिर फोड़ देगा। एक समय था कि किसी को कहते थे कि आप तो नंगे हैं तो खुश होता था, नंगे से ही नागा बना, नंगा मतलब जो आपका सब कुछ त्याग दे। तो भाषा एक तरह नहीं रहती, भाषा बदलती है, जीवन का दुख सुख भाषा को बदलते रहता है। तो भाषा बदलेगी आने वाले समय में, और हिंदी बदलेगी, गुजराती बदलेगी, तमाम भाषाएं बदलेंगी, एक दूसरे से उनका मिलना जुलना होगा, एक दूसरे से वे शब्द लेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी भाषा खराब हो गई है, मैं इसको नहीं मानता। अभी जो हिंदी का स्वरूप बन रहा है उस स्वरूप में भी प्राण है, आप वहां भी जाइए तो कम से कम, तो फिर क्लासिकल के पास जाइएगा, पहुंच जाइएगा अपने आप। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे अंग्रेजी भी बदली है ना, अंग्रेजी में जैसे अभी जो नई टर्मिनोलॉजी आई है, जैसे 1000 के लिए के शब्द का प्रयोग होता है, जैसे 20K रिवर्स, उसी तरह ब्रदर के लिए ब्रो होने लगा, उसी तरह बहुत सारे। तो अंग्रेजी ने दुनिया भर की भाषाओं से आपने शब्द लिए हैं, और मेरा मानना है कि समाज को खुला छोड़ना चाहिए, और मेरा ये भी मानना है कि हमारी जो नई जनरेशन है उस पर से सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, उसको खुद यह फैसला करने दीजिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्योंकि जैसे ही हम किसी समाज को सेंसरशिप थोपते हैं वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये भाषाएं अपना स्वरूप खुद ग्रहण करती हैं। इस पर एक बात मुझे याद आ रही है कि लंदन के पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इनको अवार्ड दिया जाना था, और ब्रिटेन का एक टोनी ब्लेयर कैबिनेट का मंत्री था जिसका नाम था टोनी मैकनल्टी। टोनी मैकनल्टी आयरलैंड का था, आयरिश था, जहां के ग्रेट पोएट W.B. Yeats हुए हैं,
जिन्होंने टैगोर को नोबेल प्राइज दिलाने में बहुत रोल अदा किया था। तो आयरिश लोगों को ब्रिटिशर्स लोग बहुत नीच दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आयरिश लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते। तो ब्रिटेन के लोग तो सबने को महान समझते हैं। तो उसने कहा कि देखिए, आज मैं मिनिस्टर हूं कैबिनेट में, लेकिन मुझे शुरू शुरू में ये सब जो ब्रिटिशर्स थे ये मेरा मजाक उड़ाते थे। अभी एक आयरिश फिल्म बैंसीज या क्या है जो ऑस्कर के फाइनल रेस में पहुंची है फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में, उसकी अलग बात है। तो उसने उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कमरे में चारों तरफ ऐसे देखा, कहा कि देखिए ये राजाओं की तस्वीरें हैं, बहुत सारे किंग्स और उसकी थी। आपको पता है कि शेक्सपियर जब हुआ था तो ब्रिटेन का किंग कौन था? हम सबको लगा कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं, लेकिन उसने कहा था कि लेकिन शेक्सपियर के बारे में आप जानते हैं। तो राजा महाराजा चले जाते हैं, मर खप जाते हैं, लेकिन जो बड़ा राइटर होता है उसको शताब्दियों तक जनता याद रखती है। आज किसी भी इंग्लैंड के आदमी से पूछिए विलियम शेक्सपियर के बारे में, वो उसको बता देगा, लेकिन ये पूछिए कि उसके जमाने में कौन राजा था, ये कोई नहीं बता पाएगा। उसी तरह आपके कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, दिनकर जोशी, भोला भाई पटेल, रघुवीर चौधरी, ये सब जीवित रहेंगे। और उसके बाद आप आज से 100 साल बाद पूछेंगे कि उस समय गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन था, किसी को याद नहीं। जी सर, जैसे हमारे पास आज मल्टीपल कोर्सेज हैं, आप सबको पता होगा कि आपको पता है कि आपको मास कॉम करना है, राइटर बनना है या फिर लॉयर बनना है। सर के टाइम में ये सब चीजें उस टाइम थी ही नहीं, और सर बिहार से हैं, तो सर मुझे ये जानना है कि बिहार में मेजरली अगर पेरेंट्स का देखा जाए तो वहां पर चाहते हैं कि उनके बच्चे IAS बने, IPS बने, उनके सारा नॉलेज और उनको उसी क्षेत्र में उनको भेजना है। तो ये फिल्म क्रिटिक जो कि शब्द अभी भी आज बिहार में ज्यादातर लोग जानते नहीं है, तो इस में कैसे आए? इन्होंने मुझे बिगाड़ दिया। ये वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर थे और हम लोग अपना हैदराबाद टाइम्स में, मैं रिपोर्टर था कल्चर का, तो उस समय अच्छा देखिए हमारे हम जो कहते हैं ना, जैसे कि एक दो बात भाषा पर एक लाइन कहो कि मैं पहले अंग्रेजी में काम करता था, मैंने साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री ली थी इंग्लिश मीडियम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो मेरी माँ ने एक दिन कहा, जो मैं लिखता था अखबारों में और ये सब, तो मेरी माँ गांव में रहती थी और हम लोग बहुत बड़े जमींदार परिवार के थे, तो उसने कहा कि अपनी मातृभाषा में कि तुम्हारे लिखने का क्या फायदा है जिसको मैं ही नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरी माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं उस भाषा में लिखूंगा जिस भाषा में मेरी माँ और मेरे गांव के लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं हिंदी में लिखा और हिंदी में ही आप पता कीजिए, लोग ताजुब करते हैं जब दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल कैन फिल्म फेस्टिवल ने मुझे वर्ल्ड के टॉप फिल्म क्रिटिक में शुमार किया। आप गूगल पर जाइए, कैन फिल्म फेस्टिवल में 5000 जर्नलिस्ट जाते हैं, 5000 में 100 को वो टॉप प्रायोरिटी बैच देते हैं, और जिसमें हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया 2018 में, 75 आर्टिकल, 1 जर्नलिस्ट, 1 इवेंट, ये बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड था और वो हिंदी में था वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो उसके बाद कैन का प्रेस ऑफिस खड़ा हो गया एकदम सम्मान में, तो मुझे तो कभी हिंदी से प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात की जर्नलिस्ट की बात आपने की, मैंने जब अपने जीवन की 1000वीं फिल्म देखी तब मैं 12th का एग्जाम दे रहा था, 1000 फिल्में देखने के बाद, तो डायरी वो मेरे पिताजी ने पकड़ ली। अब मेरी इतनी पिटाई हुई उस शाम कि ये तो बिगड़ गया, ये नालायक हो गया, आवारा हो गया, ये फिल्में देखता है। हमारे मध्यवर्गीय घरों में सिनेमा को अच्छा, इसके दोषी महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने कहा कि सिनेमा लोगों को व्यभिचारी, परस्त्रीगामी, शराबी और भ्रष्ट बना, ये महात्मा गांधी का अप्रोच। महात्मा गांधी ने जिंदगी में एक फिल्म देखी थी 1940 में राम राज, और बीच इंटरवल से पहले पंचवटी में सीता माता कहती है कि बहुत मजा आ रहा है, तो महात्मा गांधी की चेतना और दिल अपनी माता के नाम से मजा आ रहा है, ये वाक्य सुनकर बहुत दुखी हुए और सिनेमा हॉल से चल दिए, बाहर निकल गए। तो उसके कारण मुझे आज तक मेरे पिताजी को ये नहीं समझ में आता है कि मैं पत्रकारिता तो करता हूं, वो कहते हैं ठीक है अखबार में काम करते हो, लेकिन करते क्या हो?
ये बताओ। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि जर्नलिज्म और मीडिया भी एक काम है, तो वहां हमारे यहां केवल आईएएस बनते हैं बिहार के लोग, आईपीएस बनते हैं, हालांकि अभी 60% जो नेशनल मीडिया है वो बिहार के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आपको सबसे बड़ा नाम बताऊं जिसने रूपर्ट मर्डोक को सीधे उनको रिपोर्ट करते थे, स्टार के हेड, जिन्होंने आज तक चैनल शुरू किया और नंबर वन बनाया, उदय शंकर सबसे बड़ा मीडिया टाइकून है, अभी आज तक के हेड है सुप्रीम प्रसाद, ये पुण्य प्रसाद वाजपेयी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, ये जो है अजीत अंजुम और जितने भी बड़े बड़े मीडिया टाइकून है वो बिहार के 60% है, आईएसआईपीएस 60% है। तो वहां थोड़ा डिफिकल्ट है कि आप जर्नलिस्ट का कोर्स करें, मैंने भी किया था 2007 में मास कम्युनिकेशन, लेकिन हम अपने घर में नहीं समझा सकते थे कि हम क्या कर सकते थे, इसीलिए कैन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर चलते हुए 2013 में मेरी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे, मैं रो रहा था। क्यों रो रहा था कि जिस काम के लिए मेरे घर में पिटाई हुई थी उसी जुनून ने मुझे दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर ला दिया। सर ने कहा कि जर्नलिज्म का कोर्स इन्होंने किया है और इनके पेरेंट्स समझ नहीं पाते, मेरे पेरेंट्स तो आज तक नहीं समझ पाते कि मैंने मास कम्युनिकेशन करके मैं कर क्या रही हूँ सर। ये है एक क्राइसिस है, उनको समझ नहीं आता, कभी राइटिंग में चले जाओ, कभी रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपको एग्जैक्टली करना क्या है उनको अभी तक ये चीज समझ नहीं आई है। देखिए हमारा जो पूरा देश है सब बिहार की बात से नहीं करता, बहुत थोड़ा बहुत का फर्क है ना, थोड़ा आर्थिक स्थितियां किसी राज्य में ज्यादा बेहतर है, कहीं शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर है, थोड़ा बहुत इस तरह अलग अलग डायवर्सिटी तो है ही, लेकिन जो मानसिक बनावट है आजादी के 75 वर्ष के बाद हमारे शिक्षा को लेकर, हमारे यहाँ शिक्षा का मतलब पैसा कमाना है, नौकरी करना है, जबकि शिक्षा का अर्थ पूरी दुनिया में ये नहीं है, शिक्षा का अर्थ शिक्षित होना है, ज्ञान अर्जित करना है, तो ये फर्क है। तो जब हमारे माता पिता आज अभी की तक आजादी के इतने वर्ष बाद तक इस मानसिकता से उबर नहीं सके हैं कि बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है, तो उसका लाभ उसको पैसों में वापस करना है परिवार को, यही है, या वो खुद ही सुखी रहे, खूब पैसा कमाए, भले डकैती करे, चोरी करे, घूस ले, जो करना है करे, लेकिन पैसा कमाए। क्योंकि शिक्षा जो जितना ही ज्यादा शिक्षित होता है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा नहीं होगा तो ये देश और समाज नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसा के लिए अंधे पशु की तरह, बर्बर पशु की तरह जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है। इसको हमारे अभी जब अभी पीढ़ियां पीढ़ियों को इसमें खपना होगा, आप सब जो नई पीढ़ी के लोग हैं, आप जो पढ़ रहे हैं इस रेस में, जो आपको जो जबरन शामिल कर दिया गया है, आप इससे भाग नहीं सकते, लेकिन इसमें रहते हुए ही अपने को बदलिए, अपने बाद के लोगों के लिए हिंसक मत बनिए, आपकी अपनी जो संतानें हो वे इसे हिंसा का शिकार ना हो, जिस हिंसा का शिकार आपके पूर्वज यानी हम लोग और आप स्वयं हुए, इसका ख्याल आप ही को रखना। दुनिया कोई आसमान से नहीं उतरता है, न भाषा सिखाने के लिए, न साहित्य पढ़ने के लिए सिखाने के लिए, न नौकरी में, शिक्षा का अर्थ क्या होता है ये बताने के लिए, आपको अपने बीच इसी समाज के बीच ये सब चीजें चुननी होगी। जी पूजा, जी सर आपने बहुत अच्छी बात की, यहाँ पर फैकल्टीज बैठी हुई है, आपने एक बार बोली है कि शिक्षा आजकल पैसा कमाने का जरिया है, आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे फैकल्टीज उसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे, उसको हम बातें पूछेंगे। सर एक और चीज़ है, हिंदी भाषा में जब आपकी जितने भी उपन्यास या फिर नॉवेल्स होते हैं, आपने विदेशी शैली को बहुत महत्व दिया है, जो खाली ठाकुर जी की है उसके ऊपर मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि कई सारे राइटर्स के नाम भी अभी लिए तो आधे लोगों को उनका भी नाम नहीं पता है, तो ये शैली भी लोगों को नहीं पता होगी। एक्चुअली आप थोड़ा सा उसको समझना होगा कि जो पिछली शताब्दी थी हमारी,
उस पिछली शताब्दी के हमारे इलाके के, खासतौर पर जो भोजपुरी भाषी इलाका था, उसके वो सांस्कृतिक महानायक थे, मतलब कल्चरल हीरो थे, हैं, रूरल बेल्ट थे, जो गांव के लोग हैं, जो आपने सुना होगा कि बिहार से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके जाते हैं, आज भी सूरत आप से बिहारियों को वापस कर दीजिए तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, इसी तरह बहुत सारे शहर है जिनके मैंने, तो क्यों लोग इतना भागते हैं, क्यों माइग्रेशन होता है, लोग अपनी पत्नियों को बच्चों को छोड़ करके रोजी रोजगार की, जमीन कम है, जनसंख्या ज्यादा है, जो जमीन है उसका बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, उस पर जमींदारों का कब्जा रहा, तो ढेर सारे लोग जो है सो आप व्यवसाय कहाँ कीजिएगा, फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए, लेकिन जमीन नहीं है आपके पास, जो है थोड़ी बहुत वो कृषि के लायक, तो ऐसे लोगों के दुख की गाथा लिखने वाले व्यक्ति थे वो, थिएटर करते थे, गीत लिखते थे, नाटक लिखते थे, और उनका नाटक देखने, उनका गीत सुनने एक साथ 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग इकट्ठा होते, सिर्फ अनाउंस हो जाता था कि वो परफॉर्म करने वाले थे, हैं, तो 15-20 हजार लोग इकट्ठा हो जाते थे, ये तो जिस स्टाइल में वो काम करते थे, जो उनका स्टाइलाइजेशन था थिएटर के लिए, उस पर मेरा काम वो मैंने किया कि मॉडर्न थिएटर में हम उस को कैसे यूज कर सकते हैं, मॉडर्न थिएटर में, उनके समय के थिएटर में नहीं, उनके टेक्निक्स को, उनके जो एलिमेंट्स हैं थिएटर के, उन एलिमेंट्स का मॉडर्न थिएटर के लिए क्या उपयोग हो सकता है, इस पर मेरा काम था, और यह आज भी इसलिए जरूरी है कि जैसे हो सकता है गुजरात के लोग किसी दूसरे राज्य में कमाने न जाते हो, विदेश को जाते हैं, दुनिया के दूसरे देशों से गुजरातियों की संख्या को हटा दीजिए तो देखिए क्या स्थिति है, बहुत सारे तो पलायन इस पूरे देश में आज भी जमीन अपनी धरती छोड़कर भागने की जो प्रवृत्ति है वो इस हमारे समाज में है, तो उसके दुख क्या होते हैं आज भी वो जमीन, इसलिए मॉडर्न थिएटर में हम लोग उसको लेकर के आए, उस पर काम किया हम लोगों ने, तो आज भी उतना ही और साथ ही में होने के क्रिटिक भी है, तो सर एक अच्छी कहानी लिखने का या फिर रिव्यूज अगर हम लोग बात करें या कहानी में, तो उसका आधार क्या होगा, आधी हकीकत आधा फसाना तब एक अफसाना, मैंने हाफ फैक्ट एंड हाफ फैंटेसी, लेकिन उसको खत्म कर दीजिए, एक रचन एक किसी चीज के लिए ये फॉर्मूला हो सकता है आधा, किसी के लिए 75% 25% हो सकता है, मतलब जो सोशल रियलिटी है, जो समाज का सच है, उसको आप अपनी कल्पना से कैसे छूते हैं, कैसे एक्सटेंड करते हैं, विस्तार देना जिसको कहते हैं, किसी भी सोशल रियलिटी को अपनी कल्पना से आप कितना विस्तारित देते हैं। फिल्म अभी सबसे आधुनिक जो है कला, 100+ वर्ष हुए इस कला को बने हुए, सबसे आधुनिक कला है ना। श्याम बेनेगल से एक पत्रकार ने पूछा कि आपने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, पूरी दुनिया में आपका नाम हुआ, अब आपकी क्या इच्छा है, गौर कीजिएगा उनके जवाब पर, श्याम बेनेगल की हस्ती से आप सब परिचित हैं, आप जानते हैं श्याम बेनेगल को, आप सब जानते हैं, आपने फिल्में देखी है उनकी, मैं पूछ रहा हूं आपको, ऑडियंस अंकुर निशान कथा कभी देखिए गूगल पर जाकर के, पठान तो देखिए ही, लेकिन वो भी देखिए, वो आपके आपकी जो ट्रेडिशन है फिल्मों की, जो सबसे रिच ट्रेडिशन है, सत्यजीत राय के बाद, मृणाल सेन के बाद, जो सबसे बड़ा नाम आपके देश में है फिल्मों का, वो श्याम बेनेगल है, तो उनसे जो दुनिया में जाने जाते हैं, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरी फिल्में साहित्य तक पहुंचे, वो पत्रकार भी चकित हुआ कि इतना बड़ा फिल्मकार ये क्या कह रहा है,
कहने का मतलब ये, जो खराब फिल्में होती हैं, ये उनकी विनम्रता थी कि अपने लिए उन्होंने ऐसा कहा, जो खराब फिल्में होती हैं वो आपकी कल्पना शक्ति को कुंद कर देती है, बंद कर देती है। फ्रेम में जो बाधा हुआ है, जो आपने देखा भैया, अब अरुण गोभी जब राम को याद कीजिएगा तो आपको अरुण गोभी याद आएंगे। इसलिए तो बहुत ही खराब ढंग से मेरी समझ से वो बना हुआ सीरियल था रामायण, पॉपुलर भले हुआ क्योंकि कैलेंडर पर भी वही छपेंगे अरुण गोभी, आपके दिमाग में हुए। लेकिन जो अगर अच्छी फिल्म बनी बने जिसमें राम का कोई कैरेक्टर करे, तो आप जो घर जाएंगे आप अपने राम को लेकर लौटेंगे, आप अपनी कल्पना से एक राम बनाएंगे। उसी तरह साहित्य जो है आपकी कल्पना को उर्वर करता है। आप जो उपन्यास पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, तो उसका नायक या नायिका जो भी है उसकी आप कल्पना करते हैं उन शब्दों के आधार पर, और वो मैं कुछ और कल्पना करूंगा, आप कुछ और, आप कुछ और। अगर एक 10 लोगों ने उस उपन्यास को पढ़ा तो उसकी नायिका 10 किस्म की होगी। साहित्य आपको उर्वर बनाता है, आपकी कल्पना शक्ति को, ये साहित्य। तो उसी तरह एक कहानी के लिए, एक उपन्यास के लिए या कविता में भी चीजों को लाने के लिए जितना महत्व यथार्थ का है उतना ही महत्व आपके कल्पनाशील होने का है। कल्पनाशील होइए, उसके बिना कोई, सिर्फ साहित्य नहीं, कोई काम आप नहीं कर सकते। आप अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकते, अपने विषय के साथ न्याय नहीं कर सकते। जो बढ़िया मैथ का स्टूडेंट होता है वो सबसे ज्यादा कल्पनाशील होता है, उसकी कल्पनाशीलता ही जो मैथ के प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए रास्ते सुझाती है। तो ये बात है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी पूजा जी, सर बिल्कुल सही कहा आपने। सर अभी आपने बात की श्याम बेनेगल सर की और सत्यजीत रे सर की, तो अभी हम लोग फिल्मों की तरफ अगर जाएं, तो आपने किताब लिखी थी बॉलीवुड की बुढ़िया, हिंदुजाज एंड बॉलीवुड, ये अंग्रेजी में। तो इसमें आपने हिंदुजा ब्रदर्स का मतलब उनको मेंशन किया है, आप इसमें कहना चाहते हैं कि बॉलीवुड में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा था उस टाइम पर, वो अगर मतलब कि आप चाहते हैं कि वो आज भी करते तो वो अच्छा होता, इस वाक्य से आपका क्या मतलब था कि क्या बॉलीवुड जो हम आज देख पा रहे हैं उसकी छवि कुछ और होती अगर हिंदुजा ब्रदर्स का कंट्रीब्यूशन आज भी बॉलीवुड में होता तो? देखिए ये कैसे हुआ क्योंकि कैन फिल्म फेस्टिवल, पहले हिंदुजा ब्रदर्स के बारे में मैं एक शब्द बता दूं कि 1914 में एक 14 साल का लड़का पाकिस्तान के शिकारपुर से, जहां शिकारपुर सिंध प्रांत में है, जहां की हमारे, आपने सुना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वहां चूंकि 5000 ईयर्स बैक की वो हमारी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, जिसने दुनिया में सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस दिया, ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, तो उसके संस्कार उनमें थे परमानंद हिंदुजा को। वो भागकर या विस्थापित होकर, माइग्रेट होकर शिकारपुर से बॉम्बे आए। 1919 में 19 साल की उम्र में वो तेहरान चले गए ईरान, और वो पहले, ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु ओपेंड ए बिजनेस हाउस आउटसाइड इंडिया इन तेहरान ईरान। एक साल में 19 से लेकर 2021 तक उन्होंने उस जमाने में 1 करोड़ रुपया कमाया। 1 करोड़ उस जमाने में बहुत होते हैं, यहां से ये कहानी शुरू होती है। तो कैन फिल्म फेस्टिवल में जब 2017 में दो ही डिनर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो शाम को डिनर पार्टी होती है, एक तो कैन का डायरेक्टर है थेरी फ्रेमो जो कि ऑफिशियल डिनर देता है, दूसरा हिंदुजाज का डिनर जिसमें सारे हिंदुस्तानियों को और कुछ यूरोपियन इन सब आते हैं उनके घर पर। वहां उन्होंने भाषण में कहा कि हमने 1200 हिंदी फिल्मों को दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया और बॉक्स ऑफिस पर उसको चलाया और एक में भी घाटा नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अजीब चीज है, ये तो हिस्ट्री है सिनेमा की। अब उसमें मुझे जैसे जैसे रिसर्च चलती गई तो ये जो अमेज़न पर उपलब्ध है किताब, देखिएगा हिंदुजा एंड बॉलीवुड और बॉलीवुड की बुनियाद, और इसमें भी लड़ाई झगड़ा ये हुआ कि जो कॉर्पोरेट के बाबू होते हैं वो अंग्रेजी के अलावा कुछ सुनते नहीं है। मैंने जीत पकड़ की नहीं है, ओरिजिनली हिंदी में लिखी जाएगी किताब।
जिसको जो करना है। और ये हिंदी किताब पहली हिंदी किताब थी जो कैन फिल्म फेस्टिवल में फ्रांस में जिसको लॉन्च किया गया वहां पर, उसके बाद फिर अंग्रेजी में इसका आया। तो ये राज कपूर की श्री 420 से अमिताभ बच्चन की कूली और नसीब तक की कहानी है 1200 फिल्मों की 1955 to 1985, जहां की आपको दंग रह जाना है कि संगम, राज कपूर की संगम, मैं गया था वहां ईरान के थिएटर में, जहां 3 साल बॉक्स ऑफिस पर चली। हमने सुना है कि मुंबई में मराठा मंदिर में शोले 5 साल चली थी, तो हिंदुस्तान में चली थी। ये इजिप्ट के नेशनल थिएटर में संगम साल भर चली थी। उसी तरह बेरूत में, सीरिया में, थाईलैंड में, ग्रीस में, इजराइल में, लंदन में, ये सिनेमा, हमारा हिंदी सिनेमा ने उस जमाने में एक ह्यूज क्रिएटिव इकोनॉमी पैदा की और ह्यूज फॉरेन करेंसी हमारे देश को लाए वो सब, क्योंकि उस जमाने में हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिसेशन था, आर्थिक मंदी थी और फॉरेन करेंसी की कमी थी। तो कैसे हमारे हिंदी सिनेमा ने इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट किया, ये अनटोल्ड स्टोरीज हैं इस किताब में। तो मुझे लगा जैसे जैसे मैं रिसर्च में जाता गया वैसे वैसे मुझे बहुत मजा आने लगा, जिसमें धर्मेंद्र है, जिसमें इतने सारे लोग थे, इतने सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मनोज कुमार, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, उस जमाने की गोल्डन हिस्ट्री थी। एंड नट सेल हाउ बॉलीवुड वॉज क्रिएटेड, बॉलीवुड वॉज क्रिएटेड बाई हिंदुजा ब्रदर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड हु गेव द नेम ऑफ बॉलीवुड, द जीनियस ऑफ मुंबई, मुंबई बॉलीवुड, अमित खन्ना, असिस्टेंट ऑफ देवानंद, ही क्वाइंड फर्स्ट दिस टर्म बॉलीवुड, उन्होंने सबसे पहले बॉलीवुड शब्द का प्रयोग किया, किसके लिए, तो मुंबई में बनने वाले कमर्शियल सिनेमा के लिए, और उसके ये जो ग्लोबल ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा आता है। तो ये कहानी है कुल मिलाकर, ये तो अभी, थैंक यू सो मच सर, आपने जो बताया, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को काफी सारी चीजें इसमें समझ आई होंगी। तो हम लोग ऑडियंस से सवाल ले रहे हैं, अगर किसी को सर से कुछ पूछना है तो माइक दे दो। हेलो, बहुत अच्छा लगा आप दोनों की वार्तालाप को सुन के। मेरा नाम आनंद है और आपने जो भी कहा बहुत हद तक मैं उससे सहमत हूँ। सॉरी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तब बहुत अच्छी नहीं, आप गुजराती बोलिए, आप इंग्लिश बोलिए, किसी भाषा। थैंक यू, थैंक यू। मैं एक मामले में आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा, जब आपने कहा कि अगली पीढ़ी जो है वो डॉक्टर और साइंटिस्ट तो बन जाएगी, इंजीनियर तो बन जाएगी, लेकिन आप लोगों को मनुष्य बनना है। मैं इससे असहमत इसलिए हूँ क्योंकि अगर किसी वोकेशन ने आदमी को मनुष्य बनना सिखाया है वो साइंस है, वो मेडिसिन है और वो इंजीनियरिंग है। जितने भी इस देश के, मैं अपनी बात खत्म कर ली, मैं उसके बाद आप प्लीज आए, और जितने भी जेनोसाइडल मॉन्स्टर्स हुए हैं इस दुनिया पे, जिन्होंने मिलियंस को मारा है और इतनी दुनिया तबाह कर दी है, वो सारे या तो पोएट्स हैं या पेंटर्स हैं या राइटर्स हैं। तो इस तरह का जनरलाइजेशन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। अगर आप माओ को लें, माओ वॉज अ पोएट, ही किल्ड 63 मिलियन ऑफ हिज ओन पीपल। हिटलर को लें, वॉज अ पेंटर। पोल पॉट को ले, ही वाज अ कारपेंटर। स्टालिन को ले, ही वाज अ प्रीस्ट। जितने भी 100 मिलियन लोगों को जो मारा गया है वो उनमें से कोई भी किसी साइंटिस्ट या डॉक्टर और इंजीनियर नहीं मारा है, पहली बात ये है। तो ये जनरलाइजेशन बहुत ही हानिकारक है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर और साइंटिस्ट, बस फिनिश कर लूँ फिर आप नहीं, क्योंकि ये एक थ्रेड है, प्लीज आप माफ कीजिएगा। आप बोले, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे जैसे आप सवाल कर रहे हैं वैसे वैसे जवाब मैं देता जाऊंगा तो सुविधा होगी आपको, बच्चों को भी सुविधा होगी। मुझे लगता है बच्चे आपके हैं, आप इनको पढ़ाते रहे, ज्यादा बेहतर जानते हैं हम लोग। नहीं, मैं भी आपकी तरह आया हूं, सॉरी। मैं ये कह रहा था क्योंकि आपके सब आपके सवाल, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना,
बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर बन के भी पोएट, जिनको आप माओ जिनको पोएट कर रहे हैं कि उन्होंने हत्या करवाई, आप उनके एक दूसरे पक्ष को देख रहे हैं। तो पोएट पोएट्री पढ़ने की बात, साहित्य से जुड़ने की बात, सिनेमा कला की दुनिया जो विस्तारित दुनिया है, क्रिएशन की दुनिया, क्रिएटिविटी की दुनिया, डॉक्टर साइंटिस्ट भी तो क्रिएट करता है, वो आपके लिए दवाइयां बना रहे हैं, वो भी क्रिएशन है। मैं कह रहा था कि अगर आप इस दुनिया से नहीं जुड़े हैं, अगर आप रचनात्मक नहीं हैं, तो आप पशु होइएगा, आप चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए। मैं ये कह रहा था, एक डॉक्टर के रूप में आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और एक गरीब का सारा खेत बिटवा देते हैं एक ऑपरेशन में, अब वो भी तो डॉक्टर है। हम आप अपने देश के लिए आप एक पुल बनाते हैं और पुल पूरा का पूरा डेढ़ साल साल भर के बाद गिर जाता है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, आप पशु हैं, आप इंजीनियर नहीं है। वहां ये कहना कि कुछ भी बनते हुए अगर आप क्रिएटिव हैं और क्रिएटिविटी की दुनिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पोएट होने का माओ जिसको आप कह रहे हैं कि वो पोएट नहीं था, माओ वो पोएट के भेष में पॉलिटिशियन था, छद्म भी है हमारे जीवन में, हम प्रपंच जीते हैं, यह दुनिया आधी से ज्यादा दुनिया की आबादी सिर्फ 24 घंटे प्रपंच में लगी हुई है, हम आप सब। तो मेरे भीतर मेरा सिर्फ इतना कहना था कि कलाओं की जो दुनिया है, क्रिएटिविटी जो है, वह आपको बेहतर मनुष्य बनाती है। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पोएट हो, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम आपने लिया, वो कविता लिखते थे और हिंसा करवा रहे थे, आप उनको कैसे पोएट मांगेगा? कलाओं की दुनिया में रहते हुए कलाओं से उनका संबंध नहीं रहा, उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। देखिए मैं इसको बस बार-बार बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ कमेंट। महाभारत में द्रोण ने कौरव और पांडव को शस्त्र की शिक्षा दी, लेकिन शस्त्र चलाना सिखाया, यानी कि ही टॉट देम द टेक्नोलॉजी हाउ टू ऑपरेट द वेपन्स। यही कारण था कि उन्होंने मनुष्य बनना यदि सिखाया होता तो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता तो वो सारे लोग चुप नहीं बैठे, क्योंकि वो हथियार चलाना जानते थे, वो मनुष्य नहीं बन पाए थे उस समय में। तो शिक्षा, जो शिक्षा केवल आपको टेक्नोक्रेट बनाती है, मनुष्य नहीं बनाती है। आशय ये है कि शिक्षा में थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि गुलाब में थोड़ी सुगंध आ जाए तो मजा आ जाए, उसी तरह से शिक्षा में थोड़ी सी मनुष्यता का प्रोसेस शुरू हो तो थोड़ा अच्छा रहे। बस नहीं, आप यदि आगे बोलते जाएंगे, ये समय खत्म हो रहा है तो दूसरे को चांस नहीं मिलेगा, प्लीज सॉरी टू से दिस, हम वन टू वन बात कर लेंगे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं हम, दूसरे से भी थोड़ा। मेरा एक सवाल था पूछते हैं सर, आप बात कर रहे थे, मतलब मैं भी इलाहाबाद से, मेरा नाम कर्ष है, आप बात कर रहे थे कि कैसे भाषाओं का इवॉल्व होना बहुत जरूरी है, तो इसी सीरीज में तर्जुमा होता है भाषाओं का, लेकिन देख रहा था मैं आजकल, अभी नसीर साहब को सुन रहा था तो बता रहे थे कैसे हिंदी सिनेमा में एक्टर्स के तलफ़ुज पे ध्यान अब कम हो गया है। अभी बीते दिनों आप भी एक मूवी का जिक्र कर रहे थे जिसमें गाना, उसमें पूरा पूरा एक गाना आ गया था जिसमें उर्दू के लफ्ज यूज हुए थे लेकिन भाषा ही गलत थी, तो तर्जुमा को तर्जुमा के बैकड्रॉप में लेके या भाषाओं के मिश्रण के बैकड्रॉप में लेके किसी गलत भाषा यूज हो रही है, इस पे अगर आप कुछ बताना चाहें। सिनेमा में गलत भाषा पर? जी सर नहीं, सिनेमा एक बहुत बड़ा मीडियम है, सिनेमा का काम साहित्य रचना नहीं है, सिनेमा एक पब्लिक की भाषा है, पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है। द ऑल द स्क्रिप्ट राइटर जो है वो सिनेमा की लैंग्वेज को पब्लिक से, ऑर्डिनरी आदमी के लैंग्वेज से जोड़ते हैं, क्योंकि उसको एक करोड़ों करोड़ लोगों तक कम्युनिकेट होना है। तो वो जैसे मिक्सी में हम कई फ्रूट डालकर मिक्स जूस बनाते हैं ना, उसी तरह वो बनता है, तो उसमें ज्यादा चीती तो नहीं। और शुरू से जब आपके यहाँ टॉकी जाई आलम आरा 1931 से लेकर और अब तक की जो सिनेमा की हिस्ट्री रही है उसमें भाषाएं बदलती रही है अपने पुराने, जैसे दिलीप साहब के पुराने डायलॉग सुनिए तो हमें समझ में नहीं आएगा।
देखिए दो तरह की भाषा होती है, एक स्पोकन वर्ड सिनेमा और सिनेमा की अपनी भाषा जो कैमरे की आंख से जो दिखाई जाती है, थिएटर के साथ भी यही है, स्पोकन वर्ड और थिएटर की अपनी भाषा रंग भाषा। रतन थ्याम मणिपुरी में नाटक करते हैं दो घंटे, आपको एक शब्द समझ में नहीं आता है लेकिन आप अपनी पलक नहीं झपका सकते वो नाटक देखते हैं। तो सिनेमा के पास दो भाषा, एक सिनेमा का लैंग्वेज जो और एक स्पोकन वर्ड जो बोला जा रहा है। अब स्पोकन वर्ड पर बहुत विवाद है दुनिया भर के, भाषा कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉपुलर जो है, मैंने थोड़ी देर पहले मैं इनसे कि पॉपुलर जो पॉपुलर हो वो अच्छा ही हो कोई जरूरी नहीं है, वो बर्बाद भी कर सकता है, हो सकता है कि वो पॉपुलरिटी जो है आपको नर्क की तरफ ले जा रही हो, आपको पता नहीं चल रहा, अलग बात है कि उसको रोका भी जाता है, उसके रोकने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। सिनेमा में ये सब हो रहा है, टीवी एंकर 95% जो टीवी एंकर है उनको बोलने नहीं आता शुद्ध, अच्छा अपने अशुद्ध बोलने को वो कहते हैं कि ये हमारा स्टाइल है, हमारा तरीका है, जब ये सब झूठ है, उनको नहीं आती है भाषा, है ना, वो इस योग्य नहीं है कि वहां बैठ के पढ़ सके न्यूज और काम कर सके, लेकिन कर रहे हैं, हमारा समाज तो सारे तरह के लोगों से बना जी। बहुत सही कहा आपने, किसी और को कोई सवाल पूछना है? हाँ पूछ लेते हैं, अभी हमारे पास 10 मिनट है शायद, क्योंकि हमारा सेशन 10 मिनट लेट शुरू हुआ है। किसी और के पास सवाल है पूछने के लिए? हेलो सर, मेरा नाम तनिष्का सुरती है और मेरा प्रश्न है कि पहले मूवी तनिष्का सुरती मेरा नाम है और सुरती जैसे है ना वैसे तनिष्का। सर मेरा क्वेश्चन है कि पहले जैसे मूवीज बनती थी उनका मीनिंग होता था, उसके पीछे से हम देखा जाए तो बहुत सारे मीनिंग्स निकलते थे जितना हम गहराई में जाते, जैसे मैंने एक पुरानी मूवी देखी थी पापा के साथ दो आंखें बारह, उसकी मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, पर जैसे गाना भी बहुत मालिक तेरे बंदे हां So, उसमें तेल भी होती थी, वो गाड़ी के साथ। Yes, तो उसका इन्फ्लुएंस हम लोगों पे बहुत रहा, पर जैसे ही कमर्शियल सिनेमा आया तो चीजें बदलने लगी, एंड अब देखा जाए तो मूवीज का इम्पैक्ट उतना, तो उसका कुछ आप बोलना चाहेंगे चीज पे? देखिए मैं प्लुरलिज्म में बहुलतावाद में यकीन रखता हूँ, जैसे वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका है जहाँ की हॉलीवुड है जहाँ की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वहां भी चार पांच तरह का सिनेमा बनता है, एक है कमर्शियल ब्लॉकबस्टर, दूसरा है इंडिपेंडेंट सिनेमा, तीसरा है आर्ट हाउस सिनेमा, चौथा है यंगस्टर स्टूडेंट सिनेमा, पांचवा है डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म, तो ये बहुत सारा होता है। उसमें कमर्शियल बॉलीवुड एक चीज है, क्योंकि कमर्शियल बॉलीवुड दुनिया कभी भी इंडिया की पहचान दुनिया में नहीं रहा हिस्ट्री में, जो उसका जो आर्टिस्टिक एस्थेटिक्स कल सिनेमा है, जैसे 1946 में चेतन आनंद की फिल्म आई थी नीचा नगर, इंस्पायर्ड बाय द मैक्सिम गोर्की प्ले लोअर डेथ, उसको कैन में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला, या मराठी की फिल्म थी संत तुकाराम 1936 में वेनिस में उसको अवार्ड मिला, या सत्यजीत रे की पाथे पांचाली 1955, इस तरह से वो थी, वो एक अलग धारा है जो चलती है, रेल की पटरियां होती है ना, एक वो कभी मिलती नहीं है, लेकिन कुछ फिल्मकारों ने जैसे राजकुमार हिरानी, जैसे रामगोपाल वर्मा, जैसे और भी बहुत सारे फिल्मकार हैं, विशाल भारद्वाज और कई लोगों ने इस दोनों धारा को मिलाने की कोशिश की, जैसे तिमांशु धूलिया, आप पान सिंह तोमर देखिए उनकी, उसी तरह से हमेशा हमारे समाज में तरह तरह रंग खिले हुए हैं, तरह तरह की फिल्में हैं, तो उससे ज्यादा चिंतित जैसे पठान है, पठान ब्लॉकबस्टर है नो डाउट, या बाहुबली है, या केजीएफ है, ये एक कमर्शियल जानरा की फिल्में हैं, इसको अपनी गति से चलने दीजिए, लेकिन आपको मुगले आजम का नाम याद होगा, एक बार देख लीजिए तो भूल नहीं सकते, मदर इंडिया का आपको देखिए, उसी तरह आपने दो आंखें बारह हाथ कही, तो सिनेमा में हमेशा से एक बहुलतावाद रहा है, डेमोक्रेटिक विधा है सिनेमा, चिंतित होने। सर आपने आपने बोला जो डॉक्टर लोग जमीन बिकवा देते हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं पटना में एक डॉक्टर सिंह हुआ करते थे जो 10 रुपये में फीस लेते थे, उनकी शिवराज सिंह उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो भी एक डॉक्टर थे सितार बजाते। सर मैं जानता हूँ उनको इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा ननिहाल वहाँ है इसलिए मैं जानता हूँ,
अब आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जो स्क्रिप्ट टाइटल आप करते हो, आज के समाज में जो नेटफ्लिक्स और इतने सारे लेब चल रहे हैं, जिस पर वेब सीरीज चल रही है, उसके राइटर तो आप ही उससे मित्र होंगे, तो आप इस तरह के राइटर क्यों लिखते हो जो समाज में गंदगी फैलाती है? ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है मेरे बच्चों का व्यू ना हो, मेरे कलीग का व्यू ना हो, आप उसके लिए क्या एक्शन ले रहे हो? आप लोग अपने समाज में क्या उस तरह की कोई चर्चाएं होती है कभी कभी गोष्ठी होती है? और आज के दिन में आप पहले भी, हम तो डॉक्टर को भगवान मानते आते हैं, मान भी रहे मानेंगे भी, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर होना, जिसके भीतर जो ह्यूमन एलिमेंट है, मनुष्यता, भाई मनुष्यता के गुण किसी में हो सकते हैं और किसी में नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर बनना एक तकनीकी शिक्षा है, टेक्निकल शिक्षा, वो आपने पाया इसलिए आप डॉक्टर बने। मेरी उसमें रुचि नहीं थी, या मुझे प्रतिभा नहीं थी, या मुझे वो शिक्षा नहीं दी गई, इसलिए मैं नहीं बना, है ना। डॉक्टर होना और साथ साथ एक बढ़िया मनुष्य होना, मैंने सिर्फ ये बात कही है कि बढ़िया मनुष्य बनने के, और मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूं आपके सामने, बढ़िया मनुष्य बनने के लिए जो युक्तियां हैं, जो टूल्स हैं आपके समय और समाज में, इस दुनिया में, वे कलाएं। आज डॉक्टर, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप कलाओं की दुनिया से अपने को जोड़े रखिए। आप बढ़िया संगीत सुनिए, आप लाख थके होंगे, सर आपसे बात हो सकी, आप लाख थके होंगे, आपको अच्छी मिल जाएगी। चलिए तो उसके लिए क्या होता है, देखिए जो आपने पूछा, अभी हमारे देश में संसद ने ओटीटी की सेंसरशिप का कानून नहीं पास किया है, नहीं बनाया है, तो ओटीटी में जो भी आ रहा है वो उस तरह से खुला है, ओपन है। और मैं यदि कहूंगा तो ये बहुत खतरनाक बात होगी कि मैं तो निजी रूप से अजीत राय और फिल्म क्रिटिक सेंसरशिप के खिलाफ हूं, मैं निजी रूप से, मैं नहीं मानता कि सेंसरशिप होनी चाहिए एक पढ़े लिखे और समर्थ लोकतांत्रिक समाज में। क्या आपको आप पढ़े लिखे आप सोचिए कि क्या, जैसे यूरोप में क्या है, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी देशों में सेंसरशिप नहीं है, वहां के समाज को पता है कि क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। चूंकि हमारा देश 140 करोड़ का है, अशिक्षा है, गरीबी है, बहुत सारा मानसिक पिछड़ापन है, अभी हमें आजाद हुए 75 साल हुए हैं, बाकी देशों को कई सौ साल हो गए हैं, तो हम एक जा रहे हैं एक दिशा की ओर, और उसमें जो प्रक्रियाएं हैं समाज में जो हमारी नैतिकता को नियंत्रित करती हैं, वो थोड़ी सी कमजोर कभी होती है, कभी ताकतवर होती है, लेकिन वो सेल्फ से होनी चाहिए सेंसरशिप, हमारे मन से निकलना चाहिए, समाज के पास यह विवेक होना चाहिए कि क्या अच्छा और क्या बुरा, वह विवेक हासिल अभी तक हमारा भारतीय समाज नहीं कर पाया है, हम वहां तक नहीं पहुंचे। और मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि हम क्यों नहीं पहुंचे, ये विवेक हम क्यों नहीं हासिल कर सके, इसलिए कि हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को ज्ञान नहीं माना, हमने शिक्षा को सिर्फ पैसा उत्पादन, सिर्फ पैसा भी आए और थोड़ा ज्ञान आए, थोड़ा मनुष्यता बढ़े, बस सब हो, तो ये संकट है कि हम उस विवेक तक नहीं पहुंचे। दुनिया में चला, दुनिया में कूड़ा परोसा जा रहा है, फोन के सारे साइट विदेशी है, भारत में तो बहुत कम है आते ही, लेकिन वो पूरी दुनिया वो उसके पीछे पागल नहीं है, नष्ट आप हो रहे हैं आपके जैसे देशों में। मैं बस एक छोटी सी बात करेक्ट करना चाहता था ऑडियंस से, आपसे मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं है क्योंकि आपने क्लैरिफाई कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो डिमार्केशन लोगों ने बना दिया है कि मेडिसिन और साइंस टेक्निकल है, इसमें वो करुणा और इसमें वो एम्पथी और सिंपथी वाले एट्रीब्यूट्स मनुष्य बनने वाले नहीं आ सकते, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर किसी भी वोकेशन ने ये सिखाया है कि करुणा ये एट्रीब्यूट, एम्पथी, सिंपथी, ये साइंस है, ये मेडिसिन है, इफ
अगर एक ही बच्चों को या स्टूडेंट्स को यंग पीपल को एक ही लेसन मिले किसी भी लोकेशन से, वो सिर्फ एक वर्ड होना चाहिए, ह्यूमिलिटी। और ये सबसे ज्यादा एक सेकंड में फिनिश करूं, वो ये सिखाता है। अगर आप देखें ट्री ऑफ लाइफ, देखें 1885 का ट्री ऑफ लाइफ, उसमें हमने देखा कि डॉक्टर्स ने कैसे हमारे अच्छे लोगों को बचाया भी है और कैसे मारा भी है। अगर एक ग्रंथ में कहूं नॉन साइंटिस्ट से पढ़ने को जो ये सिखाए, वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज होना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा, आपने रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े हैं, आपने पोएट्स पढ़े हैं, ईट्स पढ़े हैं, आप लोग एक बार आप पढ़ के प्लीज एक आप हमें बोल रहे हैं, मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूं, आप हमें बोल रहे हैं, आप संभाल कर, हमने देखा है, इस देश ने देखा है कि 3 साल के कोरोना में कैसे अच्छे डॉक्टर्स ने रोगियों को बचाया है, कैसे कमला महामनुष्य के नाम और कैसे ऑक्सीजन का चुराया है डॉक्टर्स ने गलत दवाएं दी है उनको नहीं मालूम है। कोई बात अंतिम सत्य नहीं होती, डॉक्टर कोई हत्यारा नहीं होता, वो मनुष्य होता, मनुष्यता का तत्व उसमें ज्यादा हो, आप में ज्यादा हो, हम में ज्यादा हो, हम तमाम लोगों में ज्यादा हो, हम बेहतर मनुष्य बन सकते, इसके लिए जरूरी है कलाओं की दुनिया से जुड़े, हम अच्छा सिनेमा देखें, अच्छा साहित्य पढ़े, अच्छा संगीत सुने, चाहे वो वेस्टर्न हो, इंडियन हो, आप जैज सुनिए, आप मोजार्ट को सुनिए, आप बीथोवन को सुनिए, आप एल्विस प्रेस्ली वाली फिल्म देखिए, बहुत ब्रिलियंट फिल्म है जिसने अमेरिका में उस संगीत का आंदोलन खड़ा किया, अभी वो ऑस्कर की रेस में है एल्विस प्रेस्ली की फिल्म। तो उसी तरह से हम रविशंकर को सुने, हम हरिप्रसाद चौरसिया को सुने, हम जाकिर हुसैन को सुने, थोड़ा सा इससे होगा। थैंक यू वेरी मच। अपनी किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर खूब मस्त होकर कभी नाचिए, गाइए, सबने देखिए।